गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों नमस्कार, आप कैसे हो? स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 3, द राइट चॉइस ऑफ क्लास 8th इन इंग्लिश रीडर। बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश रीडर क्लास 8th में क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रहा हूँ, सो लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश? मुकेश के माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे? व्हाई वाले क्वेश्चन में आधा आंसर क्वेश्चन से ही मिलेगा। द पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज ही वॉज प्रपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन? माँ ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया था? आंसर नंबर 2, मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन बिकॉज। वाई वाले क्वेश्चन में आधा आंसर क्वेश्चन से मिलता है, बिकॉज द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश, एपोस्ट्रोफी लगा है, मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग, सी वांटेड टू रिपेयर इट। क्वेश्चन नंबर 3, वाट वाज मुकेश ईगर टू डू? मुकेश क्या करने का उत्सुक था? मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। क्वेश्चन नंबर 4, वाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू मेकअप? मुकेश किस प्रकार का कोर्स करना चाहता था? मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ टेक्निकल कोर्स। मुकेश एक टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, दैट कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके, टू मेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन, उसके शौक को एक व्यवसाय के रूप में जो सहायता कर सके, ऐसे कोर्स में वो ज्वाइन करना चाहता था। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश, उस संस्थान का नाम बताइए जिसमें मुकेश ने एडमिशन प्राप्त किया था। मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश ने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम? सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक होता है? आंसर नंबर 6, इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज। इतना क्वेश्चन से मिलेगा, इट गिव्स सक्सेस, क्योंकि यह सफलता देता है। यदि सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाए तो मनुष्य को सही सफलता मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड लर्न दीज आंसर्स केयरफुली। थैंक यू।